हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कर्व ट्रेसिंग के क्वेश्चंस के बारे में। कर्व ट्रेसिंग कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कर्व ट्रेसिंग के पोलर फॉर्म के बारे में। पोलर फॉर्म दैट मीन्स आर एंड थीटा। आर और थीटा की जो फॉर्म में हमें क्वेश्चंस गिवन होते हैं वो होती है हमारी पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे, और जिसमें जैसा कि पहले हमने किया था कार्टेशियन फॉर्म के लिए यानी एक्स और वाई के लिए, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था सिमेट्री। वैसे ही आर और थीटा यानी पोलर फॉर्म के लिए भी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिमेट्री से। तो सिमेट्री के क्या पॉइंट्स हैं, क्या कहाँ कहाँ यहाँ सिमेट्री हो सकती है और कैसे हमें फाइंड आउट करनी है, वो सब कुछ मैंने शो कर दिया है। देखते हैं जरा कैसे सिमेट्री होगी। सिमेट्री में फर्स्ट पॉइंट, इफ रिप्लेसिंग थीटा बाय नेगेटिव थीटा डज नॉट इफेक्ट ऑन द कर्व, देन कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट या तो इनिशियल लाइन या थीटा इक्वल्स टू जीरो। देखिए, इनिशियल लाइन या थीटा इक्वल्स टू जीरो कौन सी होगी? इनिशियल लाइन या थीटा इक्वल्स टू जीरो, हमें ये मालूम है जब हम कोई भी कर्व आर और थीटा के लिए ट्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ थीटा जीरो लेके चलते हैं, यहाँ थीटा की वैल्यू हम पाई बाई टू लेते हैं, यहाँ थीटा की वैल्यू हम पाई लेते हैं, ऐसा कुछ लेते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू जीरो, ये जो थीटा इक्वल्स टू जीरो है इसके पैरेलल हमारी सिमेट्री होगी, यानी जितना कर्व कुछ ऐसा होगा वैसे ही कर्व यहाँ बनेगा। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं हम थीटा इक्वल्स टू जीरो, और थीटा इक्वल्स टू जीरो को इनिशियल लाइन भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ से हमारा एंगल स्टार्ट होता है, इसलिए उसका हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। ठीक है स्टूडेंट? तो फर्स्ट सिमेट्री, अगर किसी भी कर्व कोई भी कर्व हमें गिवन है पोलर फॉर्म में, अगर उसमें थीटा को माइनस थीटा से हमने रिप्लेस कर दिया और इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तब हम कहेंगे कि उस कर्व की जो सिमेट्री होगी वो थीटा इक्वल्स टू जीरो या फिर इनिशियल लाइन के पैरेलल होगी। सेकंड पॉइंट, इफ रिप्लेसिंग थीटा बाय पाई माइनस थीटा, अगर किसी कर्व में थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर दे, मान लीजिए आर इक्वल्स टू कोस थीटा गिवन है और वहां हमने कोस पाई माइनस थीटा कर दिया, और कोस पाई माइनस थीटा करने से वो इक्वेशन चेंज नहीं हो रही, अगर इक्वेशन चेंज नहीं होगी तब हम कहेंगे कि जो सिमेट्री है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, पाई बाई टू लाइन के पैरेलल, यानी पाई बाई टू लाइन ये है तो इसके पैरेलल इसमें सिमेट्री हो जाएगी। अगर कोई भी कर्व पाई बाई टू पैरेलल यानी कुछ कर्व अगर यहाँ लाई करेगा तो वो कर्व ऐसे यहाँ पे भी ट्रेस होगा, ठीक है, तो उसे बोलेंगे पाई बाई टू लाइन के पैरेलल उसकी सिमेट्री है। सिमिलरली थीटा की जगह पाई बाई टू माइनस थीटा पुट करें और इक्वेशन चेंज नहीं हो, तब हम कहेंगे कि पाई बाई फोर लाइन के पैरेलल उसकी सिमेट्री होगी। पाई बाई फोर कौन सी लाइन होती है? ये जिसको हम कार्टेशियन फॉर्म में वाई इक्वल्स टू एक्स बोलते हैं और पोलर फॉर्म में थीटा इक्वल्स टू पाई बाई फोर लाइन हम बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो ये होगी पाई बाई फोर लाइन। सिमिलरली जब थीटा को थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा से, थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो सिमेट्री किसके पैरेलल हो जाएगी, थ्री पाई बाई फोर के, और थ्री पाई बाई फोर जो लाइन है वो ये होगी जिसको हम कार्टेशियन फॉर्म में वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स से शो करते हैं, वही पोलर फॉर्म में थ्री पाई बाई फोर लाइन हमारी शो होगी। क्लियर है? कार्टेशियन में इसको हम बोलते हैं वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, और पोलर में हम बोलेंगे थीटा इक्वल्स टू थ्री पाई बाई फोर। और फोर्थ लास्ट सिमेट्री क्या है, जब आर को, क्योंकि आर और थीटा का क्वेश्चन है, कर्व हमारे पास आर और थीटा में दिया होगा क्योंकि पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म होता ही आर और थीटा में, तो ये तो थीटा के ऊपर है, एक सिमेट्री आर पे भी डिपेंड करेगी। क्या? अगर आर को नेगेटिव आर से रिप्लेस कर देंगे और इक्वेशन चेंज नहीं होगी तब हम कहेंगे कि जो सिमेट्री है वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है ओरिजन के यानी पोल के। ओरिजन वर्ड है कार्टेशियन फॉर्म का और पोल वर्ड है पोलर फॉर्म का। ओरिजन को जीरो जीरो को कार्टेशियन फॉर्म में बोलते हैं ओरिजन, और जीरो जीरो को पोलर फॉर्म में बोलते हैं पोल, ठीक है। और हमें यह भी मालूम है, मैंने बताया भी था कार्टेशियन फॉर्म के कर्व ट्रेसिंग में, कि ओरिजिन के पैरेलल सिमेट्री को हम बोल सकते हैं ऑपोजिट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिमेट्री, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व जैसा बन रहा है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, और जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, तो वो जो सिमेट्री होती है वो होती है किसमें, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में या फिर पोल के, यानी कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो ओरिजिन के पैरेलल। तो ये सब सिमेट्री के पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और जो भी पॉइंट हमारा क्वेश्चन को बनाने में, क्वेश्चन को करने में जो वहाँ सेटिस्फाई हो रहा है वही पॉइंट हमें एग्जाम में भी शो करना है। हमें सभी पॉइंट शो नहीं करने हैं, आपको वन बाय वन चेक करना है रफली कि कौन सा पॉइंट
इसमें से कौन सी सिमेट्री गिवन क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, जो सिमेट्री अप्लाई हो रही है वही उसी सिमेट्री के बारे में हम बात करेंगे एग्जाम में, सिर्फ वही पॉइंट आपको शो करना है। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करते हैं इसके बाद, हमने इसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में जो किया था वो किया था क्या, हमने किया था नेचर ऑफ ओरिजन। तो नेचर ऑफ ओरिजन, जैसा कि मैंने अभी बताया, ओरिजन को हम क्या कहेंगे, पोलर फॉर्म में पोल। तो इसका मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हो जाएगा नेचर ऑफ पोल या फिर ओनली पोल भी लिखोगे तब भी एक ही बात है, नेचर ऑफ पोल और पोल। तो देखिए पोल यानी ओरिजन, ओरिजन क्या होगा, पोल क्या होगा, जीरो जीरो कैसे आएगी, फोर फोर सम वैल्यू ऑफ थीटा, यानी क्या मतलब हुआ कि थीटा का कोई भी कर्व हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसके लिए हमें क्या चेक करना है कि थीटा का, थीटा की जगह हम क्या पुट करें, कौन सा एंगल पुट करें कि उस इक्वेशन में आर की वैल्यू जीरो आ जाए। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है आर इक्वल्स टू टू साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो रहा है कि थीटा को जैसे जीरो से रिप्लेस करोगे आर की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, आ गई ना जीरो, साइन जीरो जीरो होता है। तो फॉर सम वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वी गेट आर इक्वल टू जीरो, थीटा की कोई भी वैल्यू, सम वैल्यू ऑफ थीटा, वी गेट आर इक्वल टू जीरो। तो वो जो वैल्यू है थीटा की, यानी थीटा इक्वल टू जीरो पे क्या मिलेगा हमें, पोल मिल जाएगा। अगर थीटा की जगह कोई भी एंगल हम पुट कर रहे हैं जिस पे आर जीरो आ गया, तो हम कहेंगे कि थीटा की उस वैल्यू पर वो ओरिजिन से पोल से पास आउट होगा, ठीक है। और साथ में यहाँ दो पॉइंट एक साथ हमारे क्लियर होंगे, हमने एक क्वेश्चन एक पॉइंट और किया था कार्टेशियन फॉर्म में, टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो यहाँ वही वैल्यू जो थीटा का जो एंगल है वही एंगल क्या होगा उसके लिए टेंजेंट होगी गिवन कर्व के लिए, ये भी ध्यान रखना। टेंजेंट क्या होगी, वही एंगल जो इसके लिए हम आर इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं वही एंगल यहाँ टेंजेंट भी होगी उस कर्व की, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आल्सो दैट वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा, विल बी टेंजेंट एट द पोल। दो चीजें एक साथ हमारी कवर होंगी इस पॉइंट में, फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा वी गेट आर इक्वल्स टू जीरो, तो हमें क्या मिल जाएगा, पोल मिल जाएगा, यानी उस एंगल पर वो पोल से ओरिजिन से पास आउट होगा। और दूसरा वही वैल्यू जो होगी थीटा की वो क्या होगी, टेंजेंट होगी, टेंजेंट एट द पोल। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, एजम्प्टोट्स में, इसके लिए हम एजम्प्टोट्स कैसे फाइंड करेंगे। जैसा कि अभी मैंने कर्व दिया, फिर से मैं कर्व लिख देता हूँ आर इक्वल टू टू साइन थीटा, या टू की जगह कोई भी कांस्टेंट ए मान लेते हैं, स्टैंडर्ड ए साइन थीटा। तो इसके लिए एजम्प्टोट्स क्या होगी बता सकते हो आप, एजम्प्टोट्स क्या, एजम्प्टोट्स मैंने पहले करवाई थी कार्टेशियन फॉर्म में, कि एक्स की कोई भी फाइनाइट वैल्यू जिस पे वाई इनफाइनाइट आ जाए तो वो वैल्यू y के लिए क्या होगी, एजम्प्टोट्स होगी। या फिर यहाँ अगर मैं बात करूँ थीटा का वो फाइनाइट एंगल, थीटा का कोई ऐसा फाइनाइट एंगल जिस पे r इन्फिनिटी आ जाए, तब वो क्या हो जाएगा, वो एंगल उसके लिए क्या हो जाएगी, एजम्प्टोट्स हो जाएगा। अब हमें ये मालूम है साइन की जगह है, साइन थीटा है, तो यहाँ थीटा की जगह कोई भी आप एंगल पुट कर लो r कभी भी इन्फिनिटी नहीं आएगा। आप कुछ भी पुट कर लीजिए, साइन थीटा 0, 1, 0, 30, 60, 90 कुछ भी आप पुट कर लीजिए, कभी भी आपको आर इन्फिनिटिव नहीं मिलेगा, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी आपको। तो इसका मतलब अगर ये हमारे पास क्वेश्चन होता, इसका कर्व हमें ट्रेस करना होता, तब हम क्या लिखते, देर इज नो एजम्प्टोट्स फॉर द कर्व। तो फॉर द क्या लिखेंगे हम, फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, अगेन वही चीज, फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा वी गेट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी।
r tends to infinity, r is equals to infinity, for some value of theta, for some angle of theta, we get r tends to infinity. Then that value क्या होगी, वो वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगी, हम कह देंगे कि उस वैल्यू पर हमारी एसिम्प्टोट्स हमें मिल रही है. क्लियर है स्टूडेंट? बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो ये आ जाएगा एसिम्प्टोट्स. फिर फोर्थ पॉइंट हम क्या करते थे, टेंजेंट एट द ओरिजन, लेकिन यहाँ पर टेंजेंट एट द पोल और नेचर ऑफ पोल एक साथ कवर हो गया, तो यहाँ क्या रह गया, अब पॉइंट्स. तो हम डायरेक्ट यहाँ फाइंड करेंगे पॉइंट्स, और पॉइंट्स के लिए टेबल वही, पहले हमने एक्स और वाई की टेबल बनाई थी, अब हम बनाएंगे आर और थीटा में हमारी टेबल. तो आर और थीटा की टेबल हमारी बनेगी, जैसे जैसे हम थीटा के एंगल को हम पुट करते रहेंगे, आर की वैल्यू हमें मिलती रहेगी. तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारा कर्व जो है वो प्लॉट कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे, और फिर कर्व को ट्रेस करने के बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, रीजन. वो सेम है, जहाँ जहाँ हमारा कर्व लाई करेगा वहाँ वो हमारा क्या होगा, रीजन हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट? ये सभी पॉइंट्स सिंपल हैं. एक पॉइंट हमारे पास कम हो गया पहले से, पहले हमने 6 पॉइंट्स किए थे, अब 5 पॉइंट्स रह गए, क्योंकि एक पॉइंट इसमें इंक्लूड हो गया टेंजेंट एट द ओरिजन का. तो इस सभी पॉइंट्स के बिहाफ पर हम क्वेश्चन करते हैं कार्टेसियन का, फर्स्ट क्वेश्चन. और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द कर्व आर इक्वल्स टू ए 1 प्लस कोस थीटा. तो इस कर्व को हमें ट्रेस करना है, पोलर फॉर्म है, आर और थीटा की फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है, दैट मीन्स पोलर फॉर्म. एग्जाम में आपके पास लिखा हुआ नहीं आएगा फॉर द पोलर फॉर्म और फॉर कार्टिजन. ये आपको चेक करना है, एक्स और वाई है तो कार्टिजन है, आर और थीटा है तो पोलर है. तो पोलर फॉर्म के लिए हमारे पास जितने भी सिमेट्री के पॉइंट्स है वो हम फाइंड करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट सिमेट्री जो हमें यहाँ पे शो करना है. तो फर्स्ट सिमेट्री, सिमेट्री का पहला पॉइंट, इफ रिप्लेसिंग थीटा बाय नेगेटिव थीटा डज नॉट इफेक्ट ऑन द कर्व, देन कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट किसके इनिशियल लाइन थीटा इक्वल्स टू जीरो लाइन. तो देखिए, जब थीटा को माइनस थीटा से मैं रिप्लेस करूंगा क्या इक्वेशन चेंज होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमें मालूम है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है कि नहीं, बिल्कुल होगा. इसलिए हम यहां लिखेंगे बाय रिप्लेसिंग थीटा, रिप्लेसिंग थीटा बाय नेगेटिव थीटा, रिप्लेसिंग थीटा बाय नेगेटिव थीटा डज नॉट इफेक्ट ऑन द कर्व, या कर्व remains unchanged, that is given curve क्या symmetric about initial line or theta equals to zero. क्या किया मैंने, क्या लिखा, रिप्लेसिंग थीटा बाय नेगेटिव थीटा कर रिमेंस अनचेंज्ड. जैसे हमने थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं हम, तो जो कर्व है वो चेंज नहीं हो रहा, सेम है. इसका मतलब गिवन कर्व की जो सिमेट्री है वो किसके पैरेलल है, ये सिमेट्री को है अबाउट इनिशियल लाइन और थीटा इक्वल्स टू जीरो. इसके अलावा और कोई सिमेट्री, अगर थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें तो थीटा को जब पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, कोस पाई माइनस थीटा, और कोस पाई माइनस थीटा मतलब कोस 90 इंटू टू माइनस थीटा. कोस 90 इंटू टू माइनस थीटा कितना हो गया, 90 इंटू टू कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बता सकते हो आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा आ जाएगा. इसका मतलब हम चेंज नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर हम पाई की जगह पाई बाई टू माइनस थीटा पुट करेंगे तब भी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 19 इंटू वन होगा तो वैसे इक्वेशन चेंज हो जाएगी. तो कुछ भी हम पुट कर लें इसमें इक्वेशन चेंज हो जाएगी. आर के लिए हम चेक करेंगे, आर को माइनस आर से रिप्लेस करें तो
तो क्या इक्वेशन चेंज हो गई? बिल्कुल हो जाएगी, यहाँ पे भी नेगेटिव आर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो सिमेट्री होगी वो एक ही सिमेट्री होगी हमारे पास, और वो होगी ये, यानी जो कर्व है वो इनिशियल लाइन के पैरेलल हमारी यहाँ पे सिमेट्री होगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था? पोल थीटा की जगह क्या पुट किया जाए, थीटा की जगह क्या पुट करें कि ये ओरिजिन से पास आउट हो, यानी जीरो जीरो से पोल से पास आउट हो। कौन सी वैल्यू, कौन से एंगल के लिए ये आर इक्वल्स टू हमें जीरो मिलेगा, बता सकते हो? कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा है तो वन माइनस वन होना चाहिए, और माइनस वन कब होगा? जब थीटा इक्वल्स टू पाई होगा। तो कॉस पाई क्या होता है? नेगेटिव वन होता है, होता है कि नहीं होता है? कॉस पाई नेगेटिव वन। तो इसका मतलब हमारे पास जैसे ही हम थीटा को नेगेटिव सॉरी कॉस थीटा को थीटा की जगह पाई पुट करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब देख लीजिए, बाय रिप्लेसिंग थीटा इक्वल्स टू पाई, जैसे हमने थीटा को पाई से रिप्लेस किया, कॉस पाई, कॉस पाई क्या हो गया? नेगेटिव वन, वन माइनस वन जीरो, आर इक्वल्स टू जीरो, वी गेट आर इक्वल्स टू जीरो, दैट इज कर्व पासिस थ्रू पोल एट कब? थीटा इक्वल्स टू पाई, यानी जैसे ही एंगल थीटा की जगह पाई आएगा वैसे ही कर्व क्या हो जाएगा? पोल पे उसको कर्व को टच करेगा, यानी ओरिजिन से पास आउट होगा। कब? थीटा इक्वल्स टू पाई। और दूसरा मैंने कहा था टेंजेंट, टेंजेंट एट द पोल, तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू पाई पर जो थीटा इक्वल्स टू पाई है वही लाइन क्या होगी? इस गिवन कर्व के लिए टेंजेंट हमारे पास हो जाएगी। थीटा इक्वल्स टू पाई जो होगी वो टेंजेंट भी हो जाएगी। तो इसके लिए लिखेंगे हम, ये भी लिखेंगे, द लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई इज टेंजेंट टू द कर्व एट पोल। हम लिखेंगे लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई, लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई विल बी टेंजेंट एट द पोल। ऑल्सो लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई विल बी टेंजेंट एट द पोल फॉर गिवन कर्व। तो थीटा इक्वल्स टू पाई लाइन जो होगी वो इसके लिए कर्व के लिए टेंजेंट भी हो जाएगी। अब यहाँ कस्प और नोड का कोई हमारे पास नहीं है कुछ भी, कस्प और नोड के लिए कार्टेशियन फॉर्म थी हमारे, यहाँ पे कुछ भी कस्प और नोड को हमें कुछ नहीं करना है। फॉर थर्ड पॉइंट एजम्प्टोट्स, तो एजम्प्टोट्स थीटा का ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे आर इन्फिनिटिव आ जाए? थीटा की जगह हम क्या पुट करें, कौन सा एंगल पुट करें जो आर इन्फिनिटिव हमें मिल जाए? क्या कोई है ऐसा एंगल थीटा का? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें मालूम है कि कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू, यानी जब भी हम वैल्यू पुट करें कॉस थीटा, सभी एंगल के लिए नेगेटिव वन से पॉजिटिव वन के बीच में लाई कर रहा है, तो नेगेटिव वन से छोटा नहीं हो सकता, पॉजिटिव वन से बड़ा नहीं हो सकता, तो इन्फिनिटी तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ लिख देंगे देयर इज नो एजम्प्टोट्स फॉर द गिवन कर्व, देयर इज नो एजम्प्टोट्स फॉर द गिवन कर्व, कोई भी एजम्प्टोट्स नहीं होगी गिवन कर्व के लिए। फोर्थ पॉइंट पॉइंट्स, तो पॉइंट्स देख लीजिए, फोर्थ पॉइंट्स, पॉइंट्स में भी आर एन थीटा, यही टेबल हमारी बनेगी आर एन थीटा के लिए। तो आर एन थीटा, थीटा हम स्टार्ट होते हैं कहाँ से? जीरो से। तो जब थीटा की जगह जीरो हम पुट करेंगे, कॉस जीरो वन, वन एंड वन टू, तो आर कितना आ गया? टू है। फिर हम पुट करते हैं पाई बाई फोर, कॉस पाई बाई फोर, वन बाई रूट ऑफ टू, तो वन प्लस वन बाई रूट ऑफ टू इंटू ए, तो हम यही लिख देते हैं, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, ए वन प्लस वन बाई रूट ऑफ टू। फिर हम बात करते हैं पाई बाई टू की,
जो पाई बाई टू पुट करेंगे, कॉस पाई बाई टू कितना होता है? जीरो, तो आर कितना आ गया? ए। फिर हम बात करते हैं थ्री पाई बाई फोर के लिए, थ्री पाई बाई फोर के लिए वैल्यू क्या आएगी? ए वन माइनस वन बाई रूट टू, कॉस थ्री पाई बाई फोर होता है माइनस का वन बाई रूट ऑफ टू होता है क्या? और फिर बात करते हैं हम पाई की, और कॉस पाई पे हमारे पास क्या हो गया? जीरो हो गया। हुआ, तो ये सभी वैल्यूज आ गई हमारे पास। कॉस थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू चेक कर लीजिए एक बार फिर आप। कॉस पाई बाई फोर ए वन प्लस वन बाई रूट ऑफ टू, और ए वन माइनस वन बाई रूट ऑफ टू कॉस थ्री पाई बाई फोर। कॉस थ्री पाई बाई फोर का मतलब ये हुआ ठीक है, कॉस थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू ए वन माइनस वन बाई रूट ऑफ टू होगी ठीक है। तो ये हमारी सभी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है देखिए, इसके बिहाफ पर हमें अपना कर्व को ट्रेस करना है। तो देखिए कैसे ट्रेस करेंगे, इन सभी पॉइंट्स के बिहाफ पर। इसको मैं हटा रहा हूँ, इस सिमेट्री के पॉइंट को ध्यान रखना कि सिमेट्री हमारी कहाँ पे थी, इनिशियल लाइन के पैरेलल थी। तो इनिशियल लाइन के पैरेलल हमारी सिमेट्री है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इस कर्व को ट्रेस करने के लिए इसको हटाना पड़ रहा है। तो देखिए कर्व के लिए थीटा इक्वल्स टू जीरो, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू, थीटा इज इक्वल्स टू पाई, ये हमारे पास लाइन थी। थीटा इक्वल्स टू पाई बाई फोर, और ये हमारे पास लाइन आ जाएगी थीटा इक्वल्स टू थ्री पाई बाई फोर। क्लियर स्टूडेंट? अभी देखो हमने यही क्यों लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही हमने एंगल को यहाँ शो किया, पाई के बाद में एंगल नहीं लिए। पाई के बाद भी तो हम एंगल पुट कर सकते हैं, वैल्यूज आ सकती है, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारी सिमेट्री हमें कहती है क्या कि जो कर्व है वो इनिशियल लाइन के क्या है? सिमेट्रिक है। इनिशियल लाइन का मतलब इस लाइन के सिमेट्रिक है। जो कर्व यहाँ से ऊपर बनेगा जैसे, वैसे कर्व नीचे ट्रेस होगा। तो हम ऊपर वाला कर्व चेक कर लेते हैं, जैसा कर्व ऊपर होगा वैसे नीचे हमारा बनना ही बनना है। तो हम नीचे के पॉइंट्स हम क्यों शो करें, तो इसलिए हमने वो पॉइंट्स यहाँ शो नहीं। तो देखिए थीटा इक्वल्स टू जीरो पर आर क्या है? टू ए। तो थीटा इक्वल्स टू जीरो पर आर की वैल्यू आ रही है टू ए। तो आर के एक्सिस कौन सी है, कहाँ हम शो करें ये टू ए की वैल्यू? शो हम कहाँ करेंगे? थीटा की तो हमारे पास एक्सिस है, ये सारी वैल्यू सारी एक्सिस थीटा की हैं। आर की कहाँ है? एक्स और वाई में एक एक्सिस हमारी एक्स की होती है, एक वाई की होती है। तो हम एक्स के और वाई को हम क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आर को कैसे मेजर करेंगे? कहाँ है आर की वैल्यू, आर की एक्सिस कौन सी है, कहाँ हम इस टू ए को मेजर करें जीरो के लिए? बता सकते हो आप? ये तो थीटा है, आर कहाँ मेजर होगा, कैसे करेंगे हम? देखिए आर क्या चीज है, आर रेडियस भी है, आर एक डिस्टेंस भी है किसी भी कर्व के लिए। तो जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, अगर कोई सर्किल है, ये एंगल के साथ साथ डिस्टेंस क्या होती रहती है? रिमूव होती रहती है, ये रोटेट होती रहती है। जैसे जैसे एंगल हम बताते हैं, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होती है? डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग रोटेट होती रहती है। वैसे ही आर का एक डिस्टेंस है, एक रेडियस है। तो थीटा इक्वल्स टू जीरो पर आर डिस्टेंस कितनी है? टू ए। यानी कोई डिस्टेंस है टू ए, तो हमने हमारी तरफ से मेजर कर लिया टू ए की डिस्टेंस इतनी। हमने थीटा इक्वल्स टू जीरो पर मेजर कर लिया आर की डिस्टेंस टू ए, वो है इतनी। क्लियर है? अब पाई बाई फोर पर वो डिस्टेंस कितनी हो गई? ए वन प्लस वन बाई रूट ऑफ टू। पाई बाई फोर पर जो डिस्टेंस है वो है ए वन प्लस वन बाई रूट टू। यानी कि जो टू ए उससे कुछ ना कुछ कम हो गई, ये वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा है, टू ए ज़्यादा है ए वन प्लस वन बाई रूट टू से। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी वो कुछ ना कुछ कम होगी पाई बाई फोर पे, वो मैंने मान लिया ये इससे कम डिस्टेंस। फिर इसके बाद पाई बाई टू पर ए आ गई, यानी और कम हो गई, पाई बाई टू पर और कम हो जाती है। अब इसको यहाँ ले लेते हैं मेज़र, हम अपनी तरफ से मेज़र करेंगे। फिर
थ्री पाई बाई फोर पर डिस्टेंस ए से भी कम हो गई, यानी कुछ और कम हो गई यहां, और पाई पर क्या हो गई, जीरो। तो ये हो गई जीरो। तो जो कर्व बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये। आपको एक आइडिया लेना है कर्व का, कोई जरूरी नहीं है प्रॉपर उसी पॉइंट से पास आउट हो, हमें एक कर्व का आइडिया चाहिए। तो जो कर्व बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप चाहो तो इसको ऐसे कुछ यहां पे लगा दीजिए पॉइंट, बाद में ट्रेस करने के बाद इसको यहां लगा दीजिए। और ये देखिए, इस कर्व को ट्रेस करने का एक चीज है, मैंने इसको कुछ इस तरह से नहीं किया, ये और ये इसमें डिफरेंस है। इसका मतलब है कि आपने बिना पाई की लाइन को टच किए ही जीरो कर दिया, जबकि ये पहले पाई की लाइन को टच करेगा, क्योंकि पाई पर जीरो है, तो पहले पाई को टच करेगा फिर जीरो की हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। और क्यों, दूसरी चीज ये कि ये पाई जो है इसकी टेंजेंट भी है, इसलिए टेंजेंट भी है तो पहले इसको यहाँ टच करेगा फिर ये जीरो की ओर जाएगा। अब सिमेट्री हमारी क्या, इनिशियल लाइन के पैरेलल है, जितना कर्व ऊपर हुआ उतना ही कर्व नीचे भी बनेगा। तो ये हमारा कर्व बन जाएगा टोटल, क्लियर स्टूडेंट। तो ये जब हमारे पास क्या आ गई, टेंजेंट है, तो यहां लिख देंगे टेंजेंट। तो ये हमारे पास कर्व है, और इस कर्व का नाम है, नाम भी इस कर्व का कार्डियोइड, इस कर्व का नाम है कार्डियोइड। अगर आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट लिखा हुआ भी आ सकता है ट्रेस द कार्डियोइड, तो आपको इक्वेशन गिवन नहीं होगी, तो आपको इस इक्वेशन को याद भी रखना है कि कार्डियोइड की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आर इक्वल्स टू ए वन प्लस कोस थीटा, क्लियर स्टूडेंट। तो ये इक्वेशन है कार्डियोइड की, और ये कर्व है कार्डियोइड। अब बात करते हैं हम रीजन की, रीजन क्या होगा यहाँ पे, तो रीजन बता सकते हो आप इस कर्व के लिए, रीजन हमारे पास क्या है, रीजन फिफ्थ पॉइंट रीजन। तो रीजन स्टूडेंट सिंपल सा है, हमें ये मालूम है कोस थीटा नेगेटिव वन से पॉजिटिव वन के बीच में लाई कर रहे हैं, तो रीजन में हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिखेंगे माइनस वन लेस देन इक्वल टू कोस थीटा लेस देन इक्वल टू वन। तो ये आ जाएगा हमारे पास रीजन नेगेटिव वन से पॉजिटिव वन के बीच का। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन पोलर फॉर्म में कर्व ट्रेसिंग का, फिर से करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक नया क्वेश्चन इस पोलर फॉर्म पे। तो बने रहिए इसी तरह से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।